दोस्तों, हेलो हेलो दोस्तों, आज हमें भाई गैस करो कहाँ पे। अब तक तो तुम लोग देख के समझ ही गए होगे। लिलिल एसएमपी में। यस। तो यार मैं तुम लोगों को सारे बेस बताने वाला हूँ, हर चीज बताने वाला हूँ, तो तुम उसकी टेंशन मत करो। बस तुम लोगों को ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा काम। ये क्या आ गया? ओ सॉरी भाई, ठीक है चलो। तो भाई मैंने सोचा यार ये एसएमपी इतनी अच्छी है तो क्यों ना गेट से ही एंट्री की जाए। मतलब ऐसे अच्छी नहीं लगती ना, तो गेट से एंट्री करने के बाद हमें दिखा है ये फार्म। तो चलो फार्म। हेलो भाई, इसका रास्ता कहाँ पे? अंशु भाई रास्ता। अच्छा ये अंशु भाई ने रास्ता बना कर। एक सेकेंड, ये मेलन कैसा है भाई? इनके नाक से निकल रहा है इन भाई, बोलो या ना बोलो। देखो मैं वैसे लिलिविल एसएमपी या इतना सब अभी देखता नहीं हूँ, पहले देखता था यार। लेकिन यार तुम लोग मुझे बताना ये काम किसके हैं। जहाँ तक मुझे पता है जैक भैया के अलावा कोई नहीं हो सकता। एक सेकंड, अरे भैया हट जाओ। एकदम मस्त लग रहा है लेकिन एसएमपी, और अभी तो पूरी घूमनी बाकी है। अरे तुम हट जाओ यार, तुमको दिक्कत क्या है मुझसे? हटो ना भाई साहब, हटो। चलो भाई। ओके भाई साहब, क्या मस्त लग रही है यार एसएमपी। निकलते हैं यहाँ से भाई, मेरे को पूरी एसएमपी देखनी है। तुम लोग मेरी ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। चल ले भाई, यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक तो यहाँ के पेड़ भी अलग ही मौज में, मतलब इनको अलग ही है भाई। हो भाई यहाँ से निकलने दे भाई। ओके भाई, भूख भी लग गई इतना जल्दी इसको। पीछे ही आलू पड़े, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा, खास करके जैक भैया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना इन कुछ आलूओं के मेरे को पता नहीं कितने ही डायमंड्स देने पड़ेंगे। तो भाई थोड़े बहुत आलू ले रहा हूँ, मेरे को भूख लगी है, और बाकी के मैं उगा भी दे रहा हूँ। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि मैं सारे आलू लेके जा रहा हूँ और उगा कुछ नहीं रहा, ठीक है। 15 आलू तो बहुत होने चाहिए मुझे जहाँ तक पता है। ये खा ले भाई, कितना खाता है। इसके नीचे क्या है? अच्छा ऐसा ही पानी देने के लिए भाई, अच्छा इरीगेशन सिस्टम है। यहाँ पे चलते हैं अपनी, एकदम मस्त ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है। वैसे ये है क्या? अगर तुम लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि ये चीज़ है क्या। जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ कमर्शियल एरिया के लिए हो सकता है। ओ भाई क्या मस्त एंट्री होने वाली थी, बस ये कॉन्क्रीट आ गया बीच में और कोई ना। ये ओहो, ये तो एकदम मस्त। समझ नहीं यार, एक ही चीज़ है यहाँ पे, ऐसे ही कस्टमर से बात भी कर सकते हैं ऐसा कुछ लग रहा है कॉमर्शियल के लिए। यहाँ पे इतनी की चीज़ है, इतनी ये बिल बुक है, वहाँ पे बिल बना के फटाफट दे दो। ये सही है भाई, क्या चेरी ब्लॉसम लग रहे हैं एकदम मस्त वाले। तो चलो अपन देखते हैं अभी सबसे पहले कौन से घर में चले, इसमें ही चलते डायरेक्ट फटाफट। उफ भाई, तुम्हारे भाई क्या लैंडिंग करता है एकदम खतरनाक। चेस्ट में तो कुछ नहीं है, कोई नहीं, एक ही चेस्ट में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात ना है। तीन पुश्तैनी दादाजी की फोटो कौन लगाता है? देखो मैं समझ सकता हूँ, अब तुम पूछोगे तुम्हें कैसे पता चला ये पुश्तैनी, हो सकता है अभी हो। कैमरा देख रहे हो कितना ब्लर है, आज के जमाने में नहीं होता ऐसा कैमरा ब्लर। यहाँ पे चेस्ट खोले ही ना लगता है, इसमें खजाना है तो ठीक है, हम इसको हाथ छेड़खानी नहीं करेंगे और यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो एकदम मस्त बनाया हुआ है ये भी, और दादाजी बाय बाय। और यहाँ क्या है? ये तो एकदम वो है, स्मोकिंग एरिया, किचन टाइप लग रहा है, मतलब कोई दिक्कत की बात ना है, एकदम मस्त बना हुआ है। लेकिन अब मुझे मेन तो ये एक सेकंड, ये पिंकी पिंकी है, जैक अल्टीमेट शॉप भैया, ये जैक भैया की शॉप है। अभी तुम्हारा जैक भैया इधर उधर लाओ दो डायमंड्स। तो ये देखो एकदम, मैं चेरी ब्लॉसम का अभी देख रहा हूँ सैपलिंग, मजाक से हट के इतना मस्त सैपलिंग है चेरी ब्लॉसम का। और ये घर किसका है भाई? रुको रुको, मुझे गैस करने दो। देखो यहाँ तो अंशु भाई का होगा, यहाँ तो जैक भैया का होगा भाई, इनके अलावा किसी का नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, किसी और का हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। और इधर कहीं रास्ते वास्ते हैं नहीं है, चलो देखते। चलो भाई चलो यहाँ से चलते, यहाँ पे बहुत हो गया अभी, अभी पूरी एसएमपी देखने की और तुम लोगों को भी दिखाने की है। थोड़े बहुत आलू खाओ और निकलो यहाँ से। वो वाइट घर क्यों मुझे सही लग रहा है, चलो देख लेते हैं उसमें भी है क्या क्या नहीं। यार एक तो
पता नहीं क्यों कौन सा एसएमपी मुझसे बदला ले रही है, पर ठीक है। एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मजाक है? कह दो ये मजाक है भाई, ये किस चीज का लीवर था, लेवर था, पता नहीं जो भाई क्या है। कुछ आवाज तो आ रही है टिक टिक, पर क्या चेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा ना। वो रेडस्टोन वाला लैंप एक्टिव हुआ भाई, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस चेस्ट में कुछ है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई। निराशा ही निराशा है, इसको बंद कर दो जाना। तो भाई अपन अपने आगे से काम रखते, चलो एसएमबी के बाहर को चलते। और पहले मैं तुम्हारे को एकदम व्यू, टॉप व्यू दिखा देता हूँ सब। क्या चेरी ब्लॉसम वाला इतना सेक्शन मेरा फेवरेट है भाई, अभी तक का सबसे फेवरेट इतना सेक्शन है ये। और ये लेक भी बना रखी एकदम मस्त। आज नहाया है नहीं तो वापस चलते यार। और ये क्या शुगर केन फार्म भाई, सब आखिर में पानी में तो कूदना ही पड़ा। एक सेकेंड, यहाँ पे है क्या अपने पास? शुगर केन होगा भाई साहब आपके पास? थोड़ा पूछना ही बेकार है यार। कोई दिक्कत नहीं, अब हम चलेंगे। बस अब इतना एरिया था जो था, एक बार ऊपर से देख लो, एकदम मस्त लग रहा है। अब तुम्हारे को जिस चीज का इंतजार है वहां पे चलेंगे, सबके सीक्रेट बेस पे। तो देव एक्सडी के सीक्रेट बेस पे चला जाए पहले। तो हम हमारे पहले बेस में तो पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम एसएमपी को वापस जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब क्या मस्त बना के रखा है चेरी ब्लॉसम से यार। एक तो ये माइनक्राफ्ट वाला चेरी ब्लॉसम ऐड किया है ना, एकदम मस्त वही काम सही किया है भाई। यहाँ भी अच्छा बना रखे रखा है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बहुत पसंद आया। पता नहीं क्यों ये डिज़ाइन क्लिक कर गया, खतरनाक वाला भाई। 10 आउट ऑफ 20 ले जाओ तुम। लेकिन ये क्या? हेलो गाइस, चंद्रयान 3 का डिज़ाइन यहीं पे डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, कोई ये बात किसी को नहीं बताएगा कि हमारे देव भैया ने ही बनाया था चंद्रयान 3 को। उफ, एक और लॉन्च पैड की तैयारी हो रही है, तो हम भी यहीं से लॉन्च होंगे। हमारा भी इतिहास में नाम आएगा कि गेम ऑफ चक्रिश नाम का भी रॉकेट यहीं से लॉन्च हुआ था। तो चलो लॉन्च होते, लेट्स गो। 1 2 ओके। अब ये बंगलो कैसा है? ये कंट्रोल सेंटर है क्या भाई? ऊपर तो कुछ नहीं बस। हाँ वो तो ऊपर तो कैसे ही कुछ होगा, यहाँ से तो रॉकेट उड़ता हुआ देखेंगे। बाकी नीचे चल के देखते हैं। नीचे यहाँ पे कैफे है, पान मतलब चाय पानी पीने के लिए, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और यहाँ से तो स्पेस सेंटर भी बराबर नहीं दिखता है। ओके, वो टीवी देखने के लिए होगा। एक सेकेंड, ये इतने पानी में ये अलग से पानी क्यों है भाई? ओह सीक्रेट बेस, मजाक से हटके सीक्रेट में भी सीक्रेट बेस। भाई यार तुम मुझे बताओ किस किस को अंशु भाई का हीरो ब्राइन एसएमपी वाला यार सीक्रेट बेस याद आ गया। कौन कौन चाहता है हीरो ब्राइन एसएमपी वापस चालू हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। एक सेकेंड भाई, प्रेशर प्लेट टूट गई। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे लैपटॉप बना के रखा था एडिटिंग के लिए, भूल से पैर आ गया उस पर। ये लो लैपटॉप बना देता हूँ। हाँ इसी, चलो भाई चलो यहाँ से निकला जाए, उससे पहले कुछ और तोड़ फोड़ हो जाए। सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग। यहाँ पे बाहर जाने का एग्जिट का रास्ता किधर है भैया? ओके ये रहा, लेट्स गो। बीच में बताओ। ओके भाई कितना मस्त सिंपल सा था। तो चलो हम आ चुके हैं एसएमपी में वापस। अब किसके बेस पे चला जाए, देखिए किसका बेस है अभी। ओहो रॉनी भाई का बेस है अभी। तो चलो देख के आते हैं रॉनी भाई के बेस में क्या क्या है क्या क्या नहीं। एक सेकेंड भैया, बेस कहाँ है? हेलो मत कहना ये जंगली बेस। ओके यहाँ से तो एसएमपी को वापस जा चुके हैं, लेकिन यहाँ भाई साहब क्या बेस बना रखा है भाई। स्टार्टिंग तो बहुत तगड़ी है। तो चलो भाई अंदर चल के फटाफट देखते हैं। भाई मैं यहाँ से नहीं जाना चाहूंगा, पहले मैं उड़ के जाना चाहूंगा, बाद में एंट्री लेंगे अपन नॉर्मल। पहले यहाँ से भाई साहब यहाँ पे तो कितने सारे बेस बना रखे हैं यार। मेरे को भी यहाँ पे ही आके गिरना था, पूरे एकदम मस्त सेफ लैंडिंग होने वाली थी, पर कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या बेस बना रखा है यार, सब बेस अपनी अपनी जगह इतने परफेक्ट है ना मत पूछो। तो चलो अब जैसा कि मैंने कहा था एकदम परफेक्ट एंट्री करेंगे।
तो नीचे से चलते हैं अपन प्रॉपर एंट्री से एकदम तमीज में, नीचे उतर जा। ओके एक सेकंड, ये होल कैसा है भाई? ओहो एक ब्रिक कम पड़ गया। नहीं यार ये जावा वालों के लिए। चलो हम यहाँ से एंट्री से चलते हैं। हाँ स्वागत तो करो हमारा भाई साहब। एंट्री भी एकदम खतरनाक है। और ये क्या है ऊपर? ये तो ऊपर बंद है भाई। एंट्री में ही जेल कौन बनाता है यार? माना ऐसे लोग होंगे लिल्वे एसएमपी पर यार ऐसा। एक सेकेंड यार, ये ऐसी डरावनी चीजें मत बनाओ यार। ठीक है मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज लगा देता हूँ फैंस, जिसको बचना होगा वो यहाँ पे लटक जाएगा, बाद में आ सकता है बाहर। भाई ऊपर से मेरे को एक बार देखना है कितना मस्त लग रहा है भाई साहब। क्या लग रहा है यार ये रोनी भाई का बेस, तुम लोगों को कैसा लगा? और ये स्वॉर्ड भी मस्त बनाई है। तो अब चलते हैं हम एक और बेस में। यार मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा फेरिस व्हील बना लूँ, पर बहुत महंगा पड़ जाएगा। टिकट विकेट खरीदोगे? नहीं खरीदोगे तुम? वैसे बनाया हुआ तो बहुत अच्छा ही है, पर दूर से देखते हैं इसको। एकदम मस्त है ये। चलो भाई ये पानी में कूद के देखते हैं एकदम। जैसे मैंने ना तो लिया है कोई ना, माइनक्राफ्ट में तो इतने दिनों से नहीं नहाया था तो ना लिया, पर अभी यहाँ पे देखो एकदम यहाँ पे ऐसे एकदम परफेक्ट पानी। वहाँ पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, पर कोई दिक्कत नहीं, ये बना हुआ लेकिन एकदम मस्त है। एक बार तुमको दिखा देता हूँ। उड़ जा भाई ला। ओके ओ भाई मस्त लग रहा है यार ये बेस किसका है ये तुमको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ये मैं ना बता रहा, मेरे को ही नहीं पता इसलिए। ठीक है चलो भाई, ये चेरी ब्लॉसम भी तो क्या लग रहा है यार। एंट्रेंस है, अगर तुम लोग कुछ चाहते हो कि मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ऐसा कुछ चेरी ब्लॉसम का बनाऊं तो तुम लोग अभी कमेंट करके बताओ। भाई ये चेरी ब्लॉसम कासल बनाया है। TP2 SMP एरिया। ठीक है तो अभी तो SMP एरिया में ही चलना है। अब तो बाकी सब तीनों सारे बेस बाकी थे वो तो देख लिए हमने। चलो भाई चलो अब देखते हैं किस किस के हो चुके हैं बाकी। ये अंशु भाई का ही है ना, तो चलो चलते हैं अंशु भाई के बेस पे। ओहो वाह मुंह, हम आ चुके हैं अंशु भाई के बेस पे। ठीक है बहुत गंदा था, मिमिक्री यार ट्राई की थी। ठीक है यहाँ से हम SMP को वापस जा सकते हैं, मगर नहीं जाएंगे। उस व्हाट इज दिस यार, तेरा फायर ही फायर है। मेरे को अंशु भाई का ही तो देखना है बेस, एकदम खतरनाक वाला होगा। यहाँ पे पानी पानी है, अंशु भाई को अलग ही पानी से मतलब प्यार है। मतलब जहाँ देखो पानी इतना सारा हो ना, वहां समझ जाने का अंशु भाई का बेस है ही है। भाई साहब अब यहाँ से तो बहुत डेंजर बना रखा है, लेकिन बाकी अंदर भी तो देखे इतना है कि नहीं। बस ये कोठी बंगले वाले लोगों को ऐसा लगे कि एकदम मस्त बना रखा है। भाई अंदर से तो स्कैम, मतलब ये रियल में ऐसा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे को ये बताना। तो ये दिखने का बहुत सही है, मजाक से हट के ये बहुत सही है, लेकिन अंदर यार कुछ ना ऐसा हो सकता है। ओ ये देखो, अब तुम लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है इस लिलीविल SMP में, छोटा सा। तो ये छोटू सा घर मेरे ही नाम का है, बस मेरे को मेरे घर का दरवाजा बनाना भूल गया मैं तो। अभी बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ढूंढ लेते हैं, कोई किसी को नहीं बताएगा मैं यहाँ रहता हूँ। ओके इसको तोड़ देते हैं, ये ब्लॉक्स तोड़ के अपन अंदर चल लेते हैं अपने घर में। यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने ही घर में जाने के लिए। कि ये देखो ये मेरी शक्ल भी बनी हुई है एकदम परफेक्ट। तो चलो इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो मेरा घर इतना सीक्रेट बना हुआ है किसी को पता चल जाएगा। यहाँ पे ये अपनी रेड सैंडस्टोन का वॉल लगा देते हैं और इसको बस बंद कर देवे, अभी बात खत्म। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो चलो भाई तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मजा आया हो तो एक लाइक ठोक देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।